दही से कम होगी आपके बालों की हर समस्या। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आजकल हर दूसरा व्यक्ति बालों के झड़ने, असमय सफेद होने या डैंड्रफ से परेशान है, और इन सब समस्याओं की वजह है बढ़ता हुआ प्रदूषण, ज्यादा केमिकल यूज करना और खान पान में आने वाले बदलाव। ऐसे में बालों से जुड़ी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम आपको एक बेहद आसान घरेलू उपाय बता रहे हैं। खाने में दही तो हर कोई खाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दही सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि बाल और स्किन की कई समस्याओं में भी दही बहुत फायदेमंद होती है। दही का इस्तेमाल कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। बालों का झड़ना और सफ़ेद होने की समस्या में भी दही कारगर साबित होती है। दही को पैक की तरह बालों में लगाने से रूसी खत्म हो जाती है, बालों का झड़ना और सफ़ेद होना बंद हो जाता है और बालों में चमक आती है। आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं दही से हेयर मास्क और इन हेयर मास्क को कैसे करें इस्तेमाल। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। पहला, दही, एलोवेरा और अंडे से बनाएं मास्क। दही, अंडा और एलोवेरा तीनों ही बालों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। अगर आप इस मास्क को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाते हैं तो आपके बालों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मास्क बनाने के लिए आप 250 ग्राम दही, 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 कच्चे अंडे को आपस में मिला लें। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लें और आप इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। जब ये पेस्ट सूख जाए तो नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो लें। आप चाहें तो कोई माइल्ड शैम्पू से भी बालों को धो सकते हैं। दूसरा उपाय, दही, मुल्तानी मिट्टी और त्रिफला से बनाए मास्क। बालों के झड़ने की समस्या से निजात दिलाने का काम करेगा ये हेयर मास्क। अगर आप इस पैक को हफ्ते में 1 बार भी लगाते हैं तो इससे बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इसे बनाने के लिए आपको 1 कटोरी दही, 4 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1/2 नींबू का रस मिलाना है, और इन सबको आपस में मिलाकर रात भर के लिए रख दें और अगली सुबह इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों पर लगा लें और करीब 1 घंटे के बाद साफ पानी से अपने बालों को अच्छे से धुल लें। तीसरा उपाय, दही, अंडे से बनाए मास्क। दही के साथ अंडा मिलाकर लगाने से बाल मुलायम और सानी बनते हैं। अंडे का सफ़ेद हिस्सा नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। इसके लिए आप 2 चम्मच दही में 2 अंडों का सफ़ेद वाला हिस्सा मिक्स कर लें और इस पैक को अपने बालों में 1/2 घंटे तक के लिए लगाएं। सूखने पर इसे पानी या किसी शैम्पू से धुल लें। दही के साथ मिलाकर लगाने से अंडे की बदबू कम हो जाती है। चौथा उपाय, दही, मेहंदी और करी पत्ते का हेयर मास्क। बालों के झड़ने के लिए एक और असरदार हेयर मास्क है। इसके लिए आप 2 चम्मच मेहंदी, 2 चम्मच करी पत्ता पाउडर और इसमें 3 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे बालों में लगाएं और करीब 45 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इसे पानी से अच्छे से धो लें, इससे आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। पाँचवा उपाय, दही, मेथी और आंवला का हेयर मास्क। बालों में चमक लाने के लिए 1/2 कप दही, 2 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच मेथी पाउडर को मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे लगाने के लिए अपने बालों को धुल लें और इसे गीले बालों पर लगाएं और लगाने के 20 मिनट बाद हल्के गर्म पानी से सर को धुल लें। दोस्तों, आपको बता दें क्यों फायदेमंद है दही का मास्क। दही में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है जो बालों के लिए फायदेमंद होता है। दही में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जिससे सिर में होने वाले इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं। दही में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड बालों को नमी देता है जिससे बालों का रूखापन और ड्राइनेस खत्म हो जाती है। दही का मास्क लगाने से बाल मजबूत बनते हैं। धन्यवाद।